सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में चल रहे जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता 2019 का शुक्रवार को पहला मैच फुटबॉल एकेडमी के मेडिकल और आदर्श क्लब बेलवार के बीच खेला गया, जिसमें आदर्श क्लब बेलवार के खिलाड़ियों ने गोल मारकर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी। तत्पश्चात दूसरा मैच गौतम स्कूटिंग और पीपीगंज के बीच खेला गया, जिसमें गौतम स्कूटिंग के खिलाड़ियों ने गोल मारकर 1-0 से अपनी टीम को बढ़त दिला दी। खेल के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए खेल जारी रखा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला फुटबॉल संघ के गोरखपुर के फुटबॉल सेक्रेटरी हमजा खान ने कहा, जो जिला फुटबॉल संघ के कार्य समिति में भी हो, अपराह के मैच अभी आपके इसके पूर्व में अनाउंस किया, वो यथावत चलता रहेगा। मैं हमजा खान, फुटबॉल सेक्रेटरी, जिला फुटबॉल संघ गोरखपुर। आज का पहला मैच जैसे पूर्वत होता है, आज फुटबॉल एकेडमी मेडिकल और आदर्श क्लब बेलवार का मैच हुआ। संघर्षपूर्ण मुकाबले में बेलवार ने 1-0 से इस मैच को जीत लिया और दूसरा मैच आपके समक्ष अभी तुरंत खेला जा रहा है, ये गौतम स्पोर्टिंग और पीपीगंज एफसी के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबला, जिसमें गौतम स्पोर्टिंग की टीम 1-0 से बढ़त बनाए हुए। कल 3 मैच होने हैं, एक तो प्रातः 7 बजे रीशेड्यूल हुआ एक मैच वैलेंटाइन एफसी का सद्भावना स्पोर्टिंग क्लब के बीच, जो ठीक 7 बजे होगा, और फिर शाम को जो 2 मैच ऐसे प्रीवियसली शेड्यूल हैं वो यंग बॉय चरगावा और एफसी गोरखपुर, और दूसरा मैच गोरखपुर पुलिस जोन और माँ स्पोर्टिंग क्लब खुराबा, ये मैच खेले जाने हैं कल 2:30 बजे से।